गढ़वा जिला उप प्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष गोरखनाथ चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को कार्य विस्तार देकर जिसे राज्य के तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को नव वर्ष का तोहफा बता रही है वह आधे पंचायत प्रतिनिधियों के साथ धोखा है। उन्होंने इस कार्य विस्तार में उप मुखिया, उप प्रमुख और जिला परिषद के उपाध्यक्ष को शामिल नहीं करने पर नाराजगी प्रकट करते हुए अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों के विघटन के पश्चात राज्य सरकार कार्यकारी व्यवस्था के तहत पंचायतों के तीनों स्तर पर मुखिया, प्रमुख व जिला परिषद के अध्यक्ष को उक्त स्तर पर अध्यक्षीय कार्य विस्तार देकर व उनसे संबंधित कमेटी के सदस्यों को कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में उनकी भूमिका तय कर अपनी खूब वाहवाही तो लूट रही है, लेकिन पंचायत के तीनों ही स्तर पर उप मुखिया, उप प्रमुख और जिला परिषद के उपाध्यक्ष के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कर इस प्रकार के पंचायत प्रतिनिधियों का अपमान कर रही है। झारखंड सरकार द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों को, झारखंड प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को जो कार्य विस्तार किया गया है, माननीय विभागीय मंत्री आलमगीर आलम द्वारा यह कहा गया कि सभी जनप्रतिनिधियों को सम्मान में नौ वर्ष के शुभ अवसर में तोहफा दिया गया है, लेकिन यह बात सत्य है कि आधे जनप्रतिनिधियों को तोहफा नहीं धोखा दिया गया है। निश्चित तौर पर मतभेद डाला गया है, फूट डालो शासन करो के तर्ज पर माननीय मुखिया हेमंत सोरेन जी यह कार्य किए हैं। और चूंकि सभी समिति, कोई भी समिति हो, छोटा समिति गांव में होता है, उसमें उपाध्यक्ष होता है, जिस तरह हमें निर्वाचित हमें किया गया है उप प्रमुख के पद पर, पंचायत स्तर पर उप मुखिया के पद पर, और जिला में जिला परिषद उपाध्यक्ष चयन हुए हैं, उसी तरह समिति में उपाध्यक्ष की जगह देना चाहिए। लेकिन सरकार द्वारा मनमानी तरीके से अपना राज चलाने के लिए उपाध्यक्ष को पद को गौण कर दिया गया है, और यह नाकाम है। यह जो कहा जा रहा है कि तोहफा दिया गया है, तोहफा नहीं, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ धोखा दिया गया है, मैं निंदा करता हूं और यह मांग करता हूं झारखंड सरकार से कि आप इस पर 15 दिन के अंदर विचार विमर्श करके और आप पुनः एक राजादेश निकालें जिसमें उपाध्यक्ष का समिति में पद हो, नहीं तो हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश के उप प्रमुख और उप मुखिया, जिला परिषद उपाध्यक्ष एक चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, सभी प्रखंड पर धरना प्रदर्शन का हम लोग करेंगे, जिला स्तर पर करेंगे, नहीं मानेंगे तो हम लोग राजभवन के समक्ष धरना देने का काम करेंगे। और चूंकि आप माननीय विधायक भी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है हम लोग के पक्ष में, और जो भी यहां पर समस्या है, अगर हम लोग को अधिकार नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर हम लोग पीआईएल करेंगे, और जब तक हम लोग का अधिकार नहीं लगा तब तक संघर्ष करेंगे।